प्रियंका को इस चीज के लिए खुश नहीं होना चाहिए था कि अंकित का बर्थडे है, वो स्पेशल घर वालों ने बना दिया और सबने विश किया। लेकिन प्रियंका वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि तेरा बर्थडे है, मैं तेरे लिए स्पेशल नहीं कर पाई, बाकियों ने कैसे किया। अगर आप स्पेशल नहीं कर पाए तो ये बाकियों की गलती तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंसान पूरा गलत या पूरा सही नहीं होता। ब्लैक और व्हाइट लाइफ नहीं होती, लाइफ ग्रे होती है। बीच में कई बार प्रियंका बहुत सही होती है मेजॉरिटी चीज़ों में, लेकिन कई बार अंकित भी सही होते हैं। अंकित भी सही तरीके से सही चीज़ पर प्रियंका पर भड़क रहे होते हैं। सो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब प्रियंका के इसी प्यार पर, प्रियंका के इसी रिश्ते पर सवाल उठाया है और किसी ने नहीं बल्कि बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट रह चुके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल कोटियान की। जब सीजन 15 में खुद एज अ कंटेस्टेंट आए थे तो कई लोगों ने कहा था कि वो फेक लग रहे हैं, उनका जेन्युइन साइड नहीं दिख रहा, उनका जेन्युइन साइड समझ नहीं आ रहा, अगर दिख भी रहा है तो बिलीवेबल नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं आपको बताने आ गई हूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक्त विशाल ने खुद क्वेश्चन मार्क रेज किया है और खुद सवाल पूछा है प्रियंका चहर चौधरी से कि ये कैसा प्यार है, यानी कि प्रियंका के प्यार पर सवाल जो है वो उठा दिया है विशाल ने। विशाल लिखते हैं, हर्ड प्रियंका चहर चौधरी सेइंग दैट एवरीवन विश्ड अंकित गुप्ता ऑन हिज बर्थडे टू मेक हर फील बैड। मतलब बर्थडे किसी का बुरा आपको क्यों लग रहा है, मेक हर फील बैड, बट शुडंट शी फील गुड अबाउट एवरी वन मेकिंग हर बॉयफ्रेंड फील स्पेशल फॉर हर, इट्स ऑल अबाउट हर ऑलवेज। यानी कि फॉर प्रियंका इट इज ऑलवेज अबाउट हर हर हर, यानी कि इसको क्या पसंद आ रहा है, इसको क्या सही लग रहा है, इसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, इसको क्या चीज़ बुरी लग रही है, उनका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव होता है। ये बातें कही हैं विशाल कोटियान ने सीजन 15 के कंटेस्टेंट ने। ट्वीट आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए प्रियंकित पर उन्होंने ये इतना बड़ा ट्वीट किया है। सो जिस तरीके से सभी लोगों ने अंकित को बर्थडे विश किया, और खास करके अगर आप नोटिस करो तो ये उनका ग्रुप नहीं था, ये वो वाला दूसरा साइड का ग्रुप था ना। अर्चना दिखाई दी विश करते हुए, ना सुम्बल दिखाई दी विश करते हुए, तो शिव, शालीन, टीना और निमृत ये लोग आए, अब्दू आए विश करने के लिए। सो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो काफ़ी स्वीट जेस्चर था, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जेस्चर था। लेकिन हाँ, प्रियंका को बुरा इस बात का लगा कि मैं स्पेशल फील नहीं करा पाई, दूसरे स्पेशल फील करा रहे हैं, एंड अगर वो करा रहे हैं तो तूने स्पेशल फील क्यों किया। आप खुद सोचिए कि आपको ये जस्टिफाइड लग रहा है। और यू नो, जैसा मैं कहती हूं कई बार और फिर कहूंगी कि हर कोई हर जगह हर बार सही नहीं होता। प्रियंका मेजॉरिटी और मैक्सिमम उस घर में जितने लोग हैं उनमें से प्रियंका मुझे ज्यादा सही लगती है बहुत बार, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका को बर्थडे वाले दिन अंकित के लिए अंकित से नाराज नहीं होना चाहिए था। आपको इस पर क्या है कहना? विशाल कोटियान की बात से आप कितने सहमत हैं, जो उन्होंने सवाल प्रियंका की प्यार पर उठाया है वो बताइएगा।